छुट्टियों में हमने, छुट्टियों से पहले हमने कबीर के दोहे स्टार्ट कर दिया था, उसे पढ़ लिया था पूरा, है ना। कबीर के दोहे हमने सारे पढ़े, उनके अर्थ मैंने आपको लिखने को कहा था 3-4 लोगों के, लेकिन आपने कहा था हम सभी के लिख लेंगे, तो उन्हें लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उनके अर्थों को लिखने में। उसके बाद उसकी एक्सरसाइज भी हमने की थी। अब उसके क्वेश्चन आंसर मैंने छोड़े थे कि क्वेश्चन आंसर हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो आज मैं उनकी क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ, कॉपी में करिए, उन्हें कंप्लीट करिए, और जैसे ही कंप्लीट होता है पीडीएफ बनाकर मुझे भेजेंगे आप। कॉपी कंप्लीट रखिए अपनी, कभी भी आपसे कॉपी मंगवाई जा सकती है। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ आपको, इस घर का, घर पे जो काम आपको दिया जा रहा है उस काम को आपको कंप्लीट करना है, और उस काम के बेस पर ही आपको एग्जाम में नंबर भी मिल सकते हैं कि आपने घर पर रहकर जो काम दिया गया था उस काम को किया या नहीं, है ना। इसलिए कॉपी कंप्लीट रखिए। प्रश्नों के उत्तर में, प्रश्न 3 में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, गुरु और भगवान में से कबीरदास जी ने किसे बड़ा कहा है। उत्तर, उत्तर 3 है ना, प्रश्न 3 का उत्तर क, गुरु और भगवान में से से कबीर दास जी को बड़ा कहा है, किसे बड़ा कहा है, गुरु को, क्योंकि गुरु ही उन्हें ईश्वर के पैर छूने का मार्ग दिखाता है ना। ईश्वर की ओर जाने का सही मार्ग कौन दिखाता है, गुरु। गुरु मार्गदर्शक होता है और वही हमें सही मार्ग, सच्चा मार्ग दिखाता है। इसलिए कबीर दास जी ने गुरु और भगवान में से गुरु को बड़ा बताया। अब यहाँ क्यों नहीं लिखा, इसलिए मैं इसको इतना बड़ा आंसर नहीं लिखती हूँ, केवल किसे बड़ा कहा है तो हमने लिख दिया गुरु को बड़ा कहा। क्यों होता तो उसमें हम लिखते हैं, क्योंकि गुरु ही सच्चा मार्गदर्शक होता है, गुरु ही सच्चे मार्गदर्शक होते हैं और वे ही हमें सही मार्ग दिखलाते हैं। दूसरा है, कबीरदास जी ने सबसे बड़ा पाप किसे कहा है। तो थोड़ी आंसर है इसकी, कबीरदास जी ने बड़ा काम झूठ को कहा है। झूठ बड़ा पाप कहा है ना उन्होंने, वो दोहा है ना, साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, है ना। उसमें बताया गया है झूठ ही सबसे बड़ा पाप होता है, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए हमें। हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए, हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। वाणी बोलना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 5 से आगे का प्रश्न है, कल का काम आज करने के लिए क्यों कहा गया है। कल का काम आज करने के लिए इसलिए कहा गया है कि किसी भी काम को हमें तुरंत करना चाहिए, किसी भी काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। कल पता नहीं क्या हो, है ना, कल पता नहीं क्या हो, उस काम को फिर कर पाए या नहीं, इसलिए हमें किसी भी काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। हर काम को हमें, कल का काम हमें आज ही और तुरंत कर लेना चाहिए। 5 से आगे का प्रश्न, इसका उत्तर लिखूं मैं, कल का काम
करने के लिए। इसलिए हमें हर काम किसी भी काम को तुरंत करना चाहिए, काम को तुरंत कर लेना चाहिए। फल पर नहीं छोड़ना पड़ेगा। कल का काम आज करने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि हमें किसी भी काम को तुरंत कर लेना चाहिए, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। कल का कोई भरोसा नहीं होता है, कल का कोई भरोसा नहीं होता है कि कल क्या हो, इसलिए हमें किसी काम को तुरंत कर लेना चाहिए, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, ये प्रश्न उत्तर हो गए। और एक्सरसाइज को मैंने आपको कहा था कि आप लोग एक्सरसाइज को बुक में ही करेंगे, कॉपी में नहीं करेंगे। कॉपी में केवल दोहों के अर्थ और प्रश्न उत्तर है ना, इतना आपको कॉपी में करना है, दोहों के अर्थ लिखना है और प्रश्न उत्तर करना है। ठीक है, मैम ठीक है, दिख रहा है सबको? मैम मैम ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा। मैम आप एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखा दो ना। दिख रहा है मैम? मैम ब्लर आ रहा है। मैम ये तो बिल्कुल सही आ रहा है, सही तो आ रहा है। हमारा ब्लर आ रहा है, जो मेरे भी सही आ रहा है। आप लोग लाइट में नहीं बैठे होंगे, आपकी यहाँ पर लाइट सही नहीं होगी, आपका मोबाइल में आपने ब्राइटनेस कम कर रखी होगी। आप एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखा दो ना। मैम अगर थोड़ा सा भी मैम लो डिवाइस होता है ना मैम, तो फिर ब्लर दिखता है। स्क्रीन शेयर भी कर दूंगी तो भी कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं दिखता है हमको। दिखता है, दिखता है। स्क्रीन शेयर करने के बाद भी नहीं दिखेगा बहुत सारे बच्चों को, तो देखना। दिख रहा है अब तो? दिख रहा है? यस मैम। मैम
मैम अब और क्लियरली आ गया। ठीक है, लिख लीजिए। कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे प्रतिभा भाई, इसके बाद वाला नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मैम ले लिया। ठीक है मैम, मेरा काम तो हो भी गया। ये कंप्लीट करके रखिए कॉपी में, क्वेश्चन आंसर और दोहों के अर्थ। दोहों के अर्थ सभी ने कर लिए, दोहों के अर्थ आ गए सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है दोहों के अर्थ में? नो मैम, दोहे का अर्थ नहीं आ रहा हो तो पूछ लीजिए, मैं कई दो बार समझा चुकी हूँ, दो दिन तक मैंने आंसर दिए थे आपके। मैम प्लीज साइड, मैम लास्ट के दूसरे का अर्थ क्या है? क्या लास्ट का दूसरा दोहा? मैम सातवां वाला, रूखी सूखी खाई के ठंडा पानी पानी टुकड़ी मत लंचावे जीव। कौन करेगा? प्रतीश पालीवाल। मैम क्या नंबर का दोहा? मैम इसका मतलब है मैम हमें संतोष रखना चाहिए मैम, और दूसरों को मैम ऐसे भी करना चाहिए कि मैम तुम हमें ये दे दो तो फिर ये दे दो। मैम हमें जो अपने पास है वो ही लेकर हमें ठंडा पानी पी लेना चाहिए। रूखी सूखी खाई के ठंडा पानी पी, यानी हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसी में संतोष रखना चाहिए। किसी और के पास कुछ और देख कर, कुछ हमसे अच्छा है, उसके पास कुछ अच्छा है, उसे देख कर हमें अपना मन नहीं ललचाना चाहिए, है ना, संतोष रखना चाहिए, संतुष्टि रखनी चाहिए। वो हमारे पास है, हमें उसे खुश रहना चाहिए। किसी और की चीजों को देख कर हमें अपना मन नहीं ललचाना चाहिए। हो गया? Yes, ma'am. कंप्लीट है हमारा, है ना? मैंने आपको yes, ma'am. पूछिए और बताइए कि प्रश्न भी लिखने के लिए कहा था कॉपी में। श्रेया yes, ma'am. हाँ, तो आपको कॉपी में दोहों के अर्थ सोचिए और बताइए के प्रश्न और ये जो चार प्रश्न मैंने लिखवाए हैं इन्हें आपको कॉपी में कंप्लीट करना है। ठीक है, दोहों के अर्थ अभी भी अगर किसी को नहीं आ रहे हो या किसी ये नहीं लिखे हो तो पूछ ले और अर्थ लिख ले। अर्थ सरल है, आप खुद से लिखेंगे तो आपको याद होगा अच्छे से, मैं लिखवाऊंगी तो आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन खुद लिखेंगे तो आपको याद, खुद से लिखने के बाद हमें अच्छे से याद रहता है कि हमने खुद समझा है और हमने लिखा है, तो वो हम कभी नहीं भूलते। लेकिन मैं लिखवाऊंगी तो आपको फिर उसको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, इसलिए आप खुद से लिख लीजिए। मैंने समझाया है आपको, समझ समझ के उसकी लाइनों को पढ़िए और उन अर्थों को लिखिए, इसमें क्या कबीरदास जी ने कहा है। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछिए, लेकिन खुद ही उसका अर्थ लिखने की कोशिश करिए, है ना, अपने आप से लिखेंगे तो आपको अच्छा याद होगा। ठीक है, और कुछ पूछना है? कॉपी कंप्लीट करके मुझे पीडीएफ भेजते रहो आप, मैं देख रही हूँ सबकी कॉपीज, लिस्ट भी बना रही हूँ जिसने नहीं भेजे हैं पीडीएफ। बहुत समय से बहुत सारे बच्चों ने स्टार्टिंग से नहीं भेजे, फिर सारे पूरी बुक की पूरी कॉपी उनको कंप्लीट करके भेजना पड़ेगी फिर कुछ ही दिनों में, इसलिए अपनी कॉपी कंप्लीट रखिए। ठीक है, और कुछ पूछना है तो उससे रिलेटेड, फिर हम कल हम आज का अर्जुन स्टार्ट कर देंगे। आज का अर्जुन और संकल्प ये दोनों हम पढ़ेंगे प्रतिभा में, उसके बाद फिर ग्रामर लेंगे, है ना। ठीक है, कंप्लीट करो कॉपी, एक बार मुझे वीडियो दिखाओ कौन क्या क्या कर रहा है,
ऑन योर वीडियो पुनीता मंडोवरा क्या कर रही हो? मैम मेरे काम हो गए है तो मैं लीव कर सकती हूँ क्या? प्लीज मैम मैं माधवी योगी। माधवी योगी तुमने अपना नाम निशा योगी क्यों डाल रखा है? मैम ये मेरी मम्मी का मोबाइल है ना तो मेरी मम्मी का नेम है उनके ही नेम से आईडी सेव कर रखी। मैं नेम डालूं ना? यस मैम रीनेम कर दी। मिनी शर्मा अभी सो के उठे हो ना? लिखने ना तुम लिखने में तो मुझे कुछ ही बच्चे नजर आ रहे। निकुंज पुरोहित कंप्लीट हो गया तुम्हारा? यस मैम। शरद का कंप्लीट हो गया है। चलिए ठीक है डू योर वर्क। अपनी कॉपी को ओपन करो।